भाजपा विधायक संजय गायकवाड़, भाजपा पूर्व सांसद अनिल पोंटे द्वारा राहुल गांधी को लेकर वक्तव्य किया था। इसी पर पावन कुरे द्वारा प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया कि इस वक्तव्य का कोई समर्थन नहीं है, लेकिन राहुल गांधी को सोच समझकर बोलना चाहिए। साथ ही पावन कुरे बोले कि नेहरू ने कहा कि आरक्षण विकास में बाधक है। राहुल गांधी ने कहा, आरक्षण ना समझ लोगों को दिया जाता है, क्या आरक्षण ना समझी है? मैं संजय गायकवाड़ या अनिल पोंटे के वक्तव्य से सहमत नहीं हूँ। उन्होंने ऐसा इसके बाद कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन राहुल गांधी ने भी संभल के बात करनी चाहिए। जिस प्रकार से देश विरोधी बयान, समाज विरोधी बयान राहुल गांधी देते हैं, इनकी आदत है, तीन पीढ़ियों से हम देखते आ रहे हैं। जब महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान से आरक्षण दिया, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू खड़े हो गए उठकर और कहा, ये आरक्षण देना, शेड्यूल काइट, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को आरक्षण देना, ये तो विकास में बाधा आएगा। ये बयान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था कि विकास में बाधा आरक्षण होता है, नहीं देना चाहिए आरक्षण, ऐसे पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आरक्षण दिया संविधान में, उसके बाद आपने देखा कि राजीव गांधी उठकर खड़े हो गए आरक्षण के खिलाफ। उनने कहा कि बुद्धिहीन लोगों को आरक्षण मिलता है और उनको आरक्षण देना चाहिए। बुद्धिहीन लोग क्या, ओबीसी बुद्धिहीन है, शेड्यूल कास्ट बुद्धिहीन है, शेड्यूल ट्राइब बुद्धिहीन है। राजीव गांधी का बयान था सेकंड जनरेशन का। थर्ड जनरेशन राहुल गांधी कहती है अमेरिका में जाकर अब हम आरक्षण हटा देंगे, आरक्षण नहीं चाहिए, और यही कहते हैं कि मोदी जी के खिलाफ चुनाव में झूठे बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी का बयान ओबीसी समाज के खिलाफ, एससी एसटी के खिलाफ आया हुआ है, हम आरक्षण नहीं देंगे, हम हमारी सरकारें आएगी तो हम आरक्षण नहीं देंगे, सीधा कबूल किया, उनके पेट में था वो वोट जुबा पे आ गया है। तो ये बात भी नहीं होनी चाहिए। मैं बोंडे का और गायकवाड़ का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन हमने ठहराया है राहुल गांधी जब जब महाराष्ट्र में आएंगे तो सारा ओबीसी समाज, सारा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब उनके मंच पर जाकर पूछेगा कि राहुल तुम्हारे मन में क्या, आरक्षण के बारे में आपने मोदी जी के खिलाफ झूठ बोला है, मोदी जी संविधान बदलने वाला ऐसा झूठ बोला है। हम अब राहुल गांधी को पिंडाल में जाके, उनके डायस में जाके पूछेंगे कि आरक्षण के बारे में आपकी भूमिका पहले क्लियर करिए, बाद में ही महाराष्ट्र में पाव रखिए।